जहां एक तरफ उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर है, वहीं दूसरी तरफ माया नगरी मुंबई में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और इस बारिश ने कभी नहीं रुकने वाले शहर मुंबई की रफ्तार भी धीमी कर दी है। मूसलाधार बारिश की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, साथ ही कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। देखिए, कभी नहीं रुकने वाली माया नगरी अब थम सी गई है। कुछ दिनों पहले तक मुंबई में गर्मी अपना कहर बरपा रही थी। थोड़े दिन पहले मॉनसून ने दस्तक दी, लोगों के चेहरे खिल गए, लेकिन धीरे धीरे इस बारिश ने प्रचंड रूप धारण कर लिया। बीते चार दिनों से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं, यातायात ठप हो गया है, ट्रेनें डिरेल हो रही हैं और मुंबई रुक सी गई है। मुंबई में मॉनसून आने से जोरदार बारिश हुई, फिर सड़क क्या पटरी क्या पता नहीं चल पा रहा। मुंबई के कई इलाकों में जलभराव होने से मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली मुंबई लोकल ट्रेनों पर भी असर पड़ रहा है। एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। इस हादसे की वजह से मुंबई में रेल यातायात पर असर हुआ। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, कई के रूट डाइवर्ट कर दिए गए। वहीं लगातार बारिश की वजह से मुंबई के सायन और माटुंगा रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया। अभी मैं डोंबिवली से निकला था, अभी तो मुझे 2.5 घंटे लगा यहाँ पे पहुँचने को। आपको बस या ट्रेन टाइम से मिल पा रही? नहीं ना, अभी आधे घंटे से खड़ा था, फिर अभी ऑटो से जा रहा हूँ। ऑटो में भी बड़ी लाइन है। अभी करीब 1-1.5 घंटे से खड़ा है। 1-1.5 घंटे? हाँ जी। ऑटो या बस मिलने में दिक्कतें आ रही है? हाँ, ऑटो और बस दोनों में दिक्कतें आ रही है। ट्रेन का क्या हाल है? ट्रेन तो काफ़ी लेट है, बहुत काफ़ी लेट है। से आप ट्रैवल कर? मैं तो डुमली से आया हूँ, आने में 2-2.5 घंटे लग गया। अकोला से आ रहा हूँ मैं, और यहाँ पर मेरे को बहुत टाइम हो गया है, मेरे को अपॉइंटमेंट है 11 बजे का, लेट हो गया मैं। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद दूर दूर तक सड़कों पर पानी ही दिख रहा है। लोगों को गाड़ियां चलाने में काफी परेशानी हो रही है। बोरीवली, कांदीवली, गोरेगांव, सायन और घाटकोपर में तेज बारिश से सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी हैं। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी कर भारी बारिश और समुद्र के पास वाले इलाकों में हाई टाइड की चेतावनी दी है। मुंबई के किंग सर्कल इलाके दादर ईस्ट में सड़कों और गलियों में इतना पानी भर गया है कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए पानी में उतर कर जाना पड़ रहा है। किंग सर्कल गांधी मार्केट है, पूरा पुल पानी भरा हुआ है। ये बीएमसी वाले लोग का ऐसा हाल है, हम लोग क्या करेंगे बताओ, गाड़ी कैसे जाएंगे लेके? बच्चे स्कूल के जाने के लिए वो भी तकलीफ में है। हाँ, स्कूल तो चालू है, मगर ये बीएमसी वाले का ऐसा हाल रहे, खड्डा उड्डा है। गए साल में भी ऐसी खड्डे में एक डॉक्टर गिर गया, मर गया, चला गया। अभी हम लोग गाड़ी चलाते, हम लोग का सामने दिखता नहीं कुछ भी, हम लोग कैसा गाड़ी चलावे रोड के ऊपर, कैसा क्या करेंगे बताओ। बीएमसी ने लोगों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट नाम का ऐप लॉन्च किया है, जिसमें लोगों को बारिश की संभावना, ट्रैफिक और हाई टाइड जैसी दूसरी कई जानकारियां मिल सकेंगी। इसके साथ ही बीएमसी ने उन इलाकों की पहचान की है जहां पर पानी भरता है, तो ऐसे स्थानों से पानी निकालने की भी तैयारी की गई है। लोगों को ले जाने के लिए प्राइवेट गाड़ियों का भी इस्तेमाल होगा। इसके साथ ही बीएमसी ने इन इलाकों में लोगों के लिए फूड पैकेज का भी इंतजाम करने की बात कही है, जिसमें वो गैर सरकारी संगठनों से मदद लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।